हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज न्यूज़ एनालिसिस फ्रॉम पीआईबी इन द हिंदू। तो देखते हैं आज का पहला न्यूज़ पेज नंबर 1 पर है, 1% डीए हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ। तो देखिए, जो डियरनेस अलाउंस होता है उस पर 1% का हाइक मिला है जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ है उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ हैं। तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसमें कि ये डियरनेस अलाउंस होता क्या है। तो अभी हालांकि जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक डियरनेस रिलीफ दी जाती है, पेंशनर्स को बेसिकली, ठीक है। तो एप्लीकेबल टू रिस्पॉन्स रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2017, यानी कि ये जो इनको अलाउंस दिया जाएगा 1% हाइक का, ये 1 जुलाई से दिया जाएगा, यानी बैंक जा कर के, राइट। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि पीछे जाके किसी डेट से कैलकुलेट करना टर्मिनोलॉजी को। इसके अलावा जो डियरनेस अलाउंस है, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस पेड टू गवर्न एम्प्लॉयज एंड PSUs। तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब जगह पे ये दिया जाता है, जो डीए है वो दिया जाता है। और इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कभी इन्फ्लेशन आ जाता है कंट्री में, या कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस होने की संभावना होती है, तो वहाँ पे ये ऐसे अलाउंसेस दिए जाते हैं, डियरनेस अलाउंसेस दिए जाते हैं। बेसिक सैलरी के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है, जितने भी बेसिक सैलरी होती है उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज इसमें दिया जाता है। इसके अलावा इंडियन सिटीजन्स मे रिसीव अ बेसिक सैलरी ऑफ पेंशन दैट इज़ देन सप्लीमेंटेड बाय हाउसिंग और अ डियरनेस अलाउंसेस। तो इंडिया में बेसिक सैलरी का ही जो पार्ट है या पेंशन का एक सप्लीमेंट्री जो होता है, क्योंकि अब पेंशन बंद किया गया है तो उसकी जगह पे ये सप्लीमेंट्री दिया जाता है, डियरनेस अलाउंसेस, फाइन। अगला न्यूज़ देख लेते हैं, विच इज़ आल्सो ऑन पेज नंबर 1। केरला प्रिस्ट फ्रीड 1 ईयर आफ्टर हिज किडनैप इन यमन। तो अभी केरला के एक प्रिस्ट को किडनैप कर लिया गया था, वहाँ से अभी उनको छोड़ दिया गया है, यमन में इनको रिसीव किया गया। तो केरला के थे, इसमें इम्पॉर्टेंट है ये ज्योग्राफिकल लोकेशन यमन का कि कहाँ पर है, ये देख लेते हैं। ये इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन है यमन का, हम लोगों ने ओमान देखा था एक दिन, यमन इस रीजन में है, यहाँ पे ओमान से इसकी बाउंड्री टच करती है। इसके अलावा देखें तो अरबियन सी और ये जो रेड सी है, दोनों के यहाँ कॉर्नर पे है ये यमन, और सऊदी अरबिया से भी बाउंड्री टच करती है। तो देखिए, यमन की जो बाउंड्री है वो 2 लैंड कंट्री से है, एक तो सऊदी अरबिया और ओमान, इसके अलावा 2 सी में ये आई मीन टच करते हैं, एक तो अरबियन सी है और एक तो रेड सी है। ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ है पेज नंबर 2 पर, विच इज़ रन सीक्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ अल्जाइमर्स। तो देखिए, अल्जाइमर एक बीमारी होती है, ये ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारी होती है, उसके लिए एक अवेयरनेस फैलाई जा रही है। इस अवेयरनेस में एक कैंपेन चलाया जा रहा है पर्पल रन के नाम से, पर्पल रन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फोरम मॉल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें ये जो अल्जाइमर है डिज़ीज़ है, इससे जो जुड़ा हुआ जो भी स्टिग्मा है, जो भी बातें हैं इससे जुड़ी हुई, उसके लिए अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। और इसका इसमें क्या क्या कैंपेन हेल्ड किया जाएगा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और मैंगलुरु, ये 4 सिटीज़ में इसको लेकर के। इसके अलावा जो वर्ल्ड अल्जाइमर डे होता है 21 सितंबर को, उस दिन एक कॉम्पिटिशन भी क्रिएट करवाया जाएगा, हाफ मैराथन होगा उसमें, मिनी मैराथन और माइक्रो मैराथन के नाम से। तो इसमें ये आई मीन किलोमीटर्स है विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ, पर्पल रन कैंपेन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ रिलेटेड टू द अल्जाइमर, और अल्जाइमर से जुड़ी हुई, इस डिज़ीज़ से जुड़ी हुई जो भी अवेयरनेस है उसको क्रिएट करने के लिए पर्पल रन कैंपेन चलाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो पैसे इकट्ठे होंगे, इसमें हर पर पर्सन कुछ पैसे देने पड़ेंगे इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो पैसे यहाँ पे इकट्ठे होंगे उसको निमहंस में डोनेट किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन, निमहंस क्या है, विच इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस, इसको डोनेट किया जाएगा। तो देख लेते हैं व्हाट इज़ निमहंस। निमहंस में इट इज़ अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन बेंगलोर, इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1925 में, ठीक है। ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि जो भी ऐसे न्यूरो वगैरह के प्रॉब्लम होते हैं उसको, उसका चेकअप होता है, उस पर काम होता है। तो मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस से जो भी जुड़ी हुई एजुकेशंस हैं वो यहाँ पर दी जाती हैं। ये 1925 में इस्टेब्लिश किया गया था और ऑपरेट
ऑटोनमसली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको सीधा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑपरेट करती है, तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और इससे पहले जो हमने देखा पर्पल रन कैंपेन, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगला न्यूज़ है पेज नंबर 7 पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। सुंदरबन डेल्टा से जुड़ा हुआ यह न्यूज़ है, वहाँ पे जो भी स्पीसीज पाए जाते हैं और कितने स्पीसीज हैं सबका डाटा दिया हुआ है, बट डाटा इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट, लेकिन हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इससे पता चलता है। तो इस डायग्राम में देखिए लिखा हुआ है कि इसमें कुछ स्पेसीज ऐसे हैं जो कि सेकंड शेड्यूल में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। इसके अलावा 38 स्पेसीज जो फिश के हैं वो IUCN रेड लिस्ट में आते हैं, नियर थ्रेटेंड लिस्ट में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं जो जिनको प्रोटेक्शन जोन में रखा गया है IUCN की तरफ से। तो जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने बताया कि जो सुंदरबन का पूरा रीजन है, वहाँ पे जितने भी आइलैंड्स हैं 104 आइलैंड्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, और वो सारे ही फ्रेजाइल कंडीशन में हैं, मतलब बहुत ही नाजुक स्थिति में हैं। जबकि ये जो आइलैंड हैं ये बहुत ऐसे मतलब स्पेसीज के हैबिटेट हैं ये सारे आइलैंड, बट ये बहुत फिजाइल कंडीशन में, इसलिए इस पर न्यूज़ आ रहा है कि इसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सुंदरबन का डेल्टा है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। इसके अलावा फॉर्म्स पार्ट ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तो ये जो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्रिएट होता है और इस पर 104 आइलैंड्स हैं टोटल। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और देख लीजिए, 11 टर्टल्स हैं टोटल जिसके स्पीसीज यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें कि फेमस है ऑलिव रेडली, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, हॉक्स बिल सी टर्टल जो कि मोस्ट थ्रेटेंड फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं, द रिवर टेरापिन। तो ये सारे तीनों जो हम अभी मैंने डिस्कस किया टर्टल के बारे में, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। इसको अलग से भी ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा गूगल पर कि इनका अपना क्या स्टेटस है IUCN में, और ये लोग कहाँ कहाँ पर किस किस रीजन में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ के एंडेमिक हैं, इसको भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो ऐसे न्यूज़ जब न्यूज़पेपर में आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगला न्यूज़, अब देखिए ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लीजिए सुंदरबन डेल्टा का, यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया इस दोनों में फैला हुआ है जो पूरा डेल्टा है, और आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा आइलैंड्स हैं इसमें चारों तरफ, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसीज पाए जाते हैं, बहुत रिच डेल्टा है ये अगर बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। नेक्स्ट न्यूज़ है M777 गन सफर्स डैमेज ड्यूरिंग टेस्ट, तो टेस्ट के दौरान जो है ये डैमेज हो गया है इस गन में। अब एग्ज़ाम में सीधा आ जाएगा क्वेश्चन कि M777 वॉज इन न्यूज़ व्हाट इट इज़, तो तीन चार ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है या ये गन है या फिर ये एक एयरक्राफ्ट है। तो द आंसर इज़ गन, ये एक गन है जो कि BAE सिस्टम ऑफ US में मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। ये एक सिस्टम है, एक कंपनी है जिसके तहत US में इसको बनाया गया है मैन्युफैक्चरिंग इसकी वहाँ पे भी, यानी कि जो M777 है वो इंडिया और US से परचेज किया है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये US की है और M777 एक गन है। नेक्स्ट न्यूज़ है विश्वजीत स्कीम अ नॉन स्टार्टर, तो लास्ट पेज पर ये एक न्यूज़ है, किस पेज पे आई एम नॉट एग्जैक्टली क्लियर अबाउट इट, देख लीजिएगा आप लोग। ये एक प्रोजेक्ट है, एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि देखिए जो नाम है उससे ये पता चलता है कि शायद ये कुछ डिफेंस का प्रोजेक्ट होगा, कुछ डिफेंस मिशन होगा, क्योंकि विश्वजीत स्टैंड्स फॉर अ कंक्वेयर ऑफ अ यूनिवर्स, यूनिवर्स को जीतने की बात की जा रही है। तो प्रोजेक्ट विश्वजीत डिफेंस रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका एम है कैटापल्टिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू द टॉप लीग ऑफ ग्लोबल एकेडमिक रैंकिंग, जो इंडिया के जो IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, दिल्ली है, खड़गपुर है, मुंबई है, जितने भी IITs हैं उनको टॉप रैंकिंग पे लेकर के जाना, टॉप लेवल पे लेकर के जाना एम है इस प्रोजेक्ट का। इसके अलावा इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है वो IITs को ग्लोबल रैंकिंग पे कम्पीट करने के लिए और एनहांस करने के लिए है, और दूसरा ये जो इसमें काम कर रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, HRD मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है। एंड इसके अलावा विश्वजीत विल एम टू पिक द IITs विद ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू क्लाइंब अप द ग्लोबल पैकिंग,
ऑर्डर एंड देन इंश्योर क्लोज फोकस टू देम कि इनके पोटेंशियल को और ज़्यादा अपग्रेड किया जाए और इन्हेंस किया जाए और जितना ये बेहतर आज है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हो, ताकि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड में, MITs वगैरह, उनसे कम्पीट कर सके। तो एक लास्ट पेज पर ये न्यूज़ है, देखिए सक्षम को लेकर के। सक्षम हमने पहले भी डिस्कस किया था, सक्षम एक कॉम्पिटिशन है बेसिकली, एंड इसमें क्या बात की जा रही है यहाँ पे भी आप गेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सक्षम जो है स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की स्कीम है, और इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो कहा है कि इफ़ एवरी सिटीजन रिजॉल्व्स नॉट टू यूज़ पेट्रोल और डीजल वन डे इन अ वीक, दीज आर नॉट वेरी बिग थिंग बट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। कि अगर आप पूरे वीक में सिर्फ एक दिन इस्तेमाल ना करें पेट्रोल और डीजल का, तो आप बहुत बड़ा अपना एक योगदान देंगे नए इंडिया को क्रिएट करने में। तो हमें जैसा कि पता ही है, हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ हो रहा है, तो इसके डेट को एक्सटेंड किया गया है, अभी 15 अक्टूबर तक इसको एक्सटेंड किया गया है। एंड PCRA इन्वाइट्स स्कूल एंड स्टूडेंट्स टू ज्वाइन क्रूसेड ऑफ फ्यूल कंजर्वेशन। तो फ्यूल कंजर्वेशन के लिए ये पूरी मुहिम है, ये पूरा जो स्कीम है उसके फ्यूल कंजर्वेशन के लिए है, बस आपको ये पता होना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे इसमें रजिस्टर्ड हैं। तो देखिए इसमें क्यों इतना कंफ्यूजन होगा, सबसे पहले तो जो सक्षम है इससे आपको लगेगा कि हो सकता है कुछ स्किल डेवलपमेंट जैसा कुछ प्रोग्राम हो ये। दूसरी चीज़ कन्फ्यूजन एक और जगह है, आपको जो इसकी मिनिस्ट्री है वो समझ नहीं आएगी, कौन से मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो स्टूडेंट वगैरह को शामिल किया गया है, स्कूल स्टूडेंट्स को शामिल किया गया है, ये आपके लिए प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सक्षम, चूँकि न्यूज़ में बना हुआ है, इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी हियर फॉर द डिस्कशन, एंड सारे लोगों के कमेंट्स हैं उसमें, थैंक्स अ लॉट जिन लोगों ने मुझे विश किया है और प्रे किया है, और दूसरे ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। मैं क्वेश्चंस वगैरह ज़रूर अभी अपने दोबारा से वीडियो में लाऊँगी, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस वजह से क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं, और वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं भी हैं तो मैं इतना तो पॉइंट आपको बता दे रही हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। और कुछ लोगों से मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि वीडियोस देखें ज़रूर। हाँ, कई बार लेट हो जा रहा है क्योंकि कई सारे कारण होते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं, लेकिन हाँ पहले वीडियोस देखें, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोग कमेंट करते हैं या लाइक भी कर देते हैं बट वो वीडियो सुनते नहीं। तो प्लीज़ मुझे ये नहीं चाहिए, आप लोग, मैं बहुत मेहनत से वीडियो को बनाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें शामिल रहें इस वीडियो में, और प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और आप लोग लास्ट में वही मैगजीन खरीद करके पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो इस वीडियोस को देखते रहिए लगातार, और यहाँ से जितने पॉइंट्स बनते हैं उसको नोट ज़रूर कीजिए, नोट नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। और कोई भी और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉल ओवर दिस नंबर एंड यू कैन मेल अस ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।